गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े लगातार 100 के नीचे आ रहे हैं। सोमवार को 24 घंटे के अंदर केवल 25 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 19,077 पहुंच गया है। इनमें 18,126 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 308 है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 643 रह गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि जाँच रोजाना 4,000 से 5,000 के बीच है। एंटीजन और RT-PCR की जाँच में भी ज़्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं। ये बेहद सुखद है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच लगातार की जा रही है। सोमवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 14 नए मरीज मिले हैं। इनमें तिवारीपुर थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 5 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा शाहपुर में 1, कैंट और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 4-4 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 6 नए मरीज मिले हैं। इनमें खोराबार में 1 और चरगावा में 5 मरीज मिले हैं। इनके अलावा 5 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।